गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें करने के लिए। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में बातें कर रही हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ गांव की शांति के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे जिन्होंने उनको फॉलो किया होगा, क्योंकि आजकल में ही उनके 100K कंप्लीट हुए हैं और आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी यूट्यूबर के बारे में वीडियो नहीं बनाए हैं। और जो ये आज मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है, सबको एक बात बतानी है कि जो शांति दी हैं उनको मैं पहले फॉलो नहीं करती थी, बट मेरी एक फ्रेंड है रूपम, जिनका चैनल है, चैनल का नाम है हैप्पी फैमिली ब्लॉग चैनल, और उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था। और जब मैंने उनकी वीडियो वॉच करना शुरू करी तो मैं सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि वो बहुत गांव से हैं, वो बहुत ही पिछड़े गांव से हैं, फिर भी वो ब्लॉगिंग करती हैं और वो बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं। और उनको पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला लोगों ने, हर बहुत ही कुछ बोला उनके हस्बैंड के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, और उनको बहुत सारी धमकियाँ भी दी गई, बट वो हमेशा मोटिवेट रहीं और हमेशा वीडियो डालती रहीं। अगर वो भी डर जाते और वो भी सोचते कि नहीं मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मुझे सब ट्रोल कर रहे हैं या फिर मेरे बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो भी ये सोचती तो वो आज 100K उनके कंप्लीट नहीं होते। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनकी वीडियो वॉच करके। और वो बहुत ही सिंपल रहती हैं अपनी वीडियो में, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साड़ियाँ पहनती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी हैं। और अभी अभी आरू उठा हुआ है ना, तो वो खेलने लग रहा है, और तो मैं सोची थी चलो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, क्योंकि किसी किसी की वीडियो देख के ऐसा होता है ना कि हम उसके सच में फ़ैन हो जाते हैं, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन होगी उसकी बात से। अभी 2-3 महीने पहले से ही मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे उनके बारे में बताया, और सब लोग मोटिवेट रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मैं भी ना ऐसा सोचती हूँ कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम जो पीछे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो गांव में रहते हैं, या फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। बट जब मैंने उनकी वीडियो देखना स्टार्ट किया, जो कमेंट है ना, कब हम लोग कमेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया, लोग उनके बारे में बहुत अच्छा भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भी बोलते हैं। बट अगर वो भी ऐसे सोचती हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, अब मैं क्विट कर देती हूँ, तो आज वो इतनी अच्छी यूट्यूबर, इतनी बढ़िया यूट्यूबर नहीं होती है। अच्छी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्टली बात करती हैं वो। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं मुझे इसमें बहुत सारे, क्योंकि आज से पहले मैंने सीरियसली किसी के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट ये ज़रूरी मुझे इसलिए लगा क्योंकि हम खुद को मोटिवेट किसी को देख के ही होते हैं, चाहे वो नेचर को देख के हों या फिर किसी इंसान को देख के हों। तो मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ शांति दी से, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर बनूँ। क्योंकि किसी भी लाइन में इंसान आता है ना, तो ये सोच के नहीं आता है कि हमें कुछ नहीं, अगर क्योंकि अगर हमें अगर कहीं पर कुछ अच्छा दिख रहा है तो हमें उसे गेन कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और जो बुरी, क्योंकि आजकल का जो सराउंडिंग चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, सबको पता है जो कोरोना है ये इंडिया में कितना ज़्यादा फैल चुका है। तो प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखिए और मोटिवेट रहिए, चाहे वो किसी यूट्यूबर को देख के हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स को देख के हो, या फिर अपने सराउंडिंग में अपने नेचर को देख के हो, तो बस हमें मोटिवेट रहना है। तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी उनको जाके फॉलो करें, जो उनके 100 अभी 100K कंप्लीट हुए हैं, तो उनके 200K भी कंप्लीट हो। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा। और वैसे मुझे पता है क्योंकि अच्छे लोग जहाँ होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी बोलते हैं। तो बस अब क्या, किसी को हम रोक तो नहीं सकते कुछ सोचने के बारे में, बट जैसा माहौल चल रहा है ना, इंसान को वो सोचना चाहिए कि अगर हम आज के टाइम पे अगर हम अच्छा करते हैं ना, तो वो हमारे बैक में हमारे लिए ही आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शांति दी, और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और हमेशा खुश रहें। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं, सॉरी, अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मास्क पहनिएगा, अगर बाहर जाते हैं सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो और अगले ब्लॉग के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत आप सभी को।